नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। और बहुत दिनों से आपकी एक चाहत कि सर हमें अपने रूममेट से मिलवा दीजिएगा। कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलवाने के लिए। भाई साहब, ये रूममेट नहीं है, ये वो पर्सनालिटी है जिसके पास है वो चाबी जो आपके खजाने को खोलेगी, जो आपके रिटन एग्जाम को क्लियर कराने में आपकी हेल्प करेगी। मैं बताना चाहूँगा कि कैसे इन्होंने अपने इतने सारे एग्जाम को क्रैक किया। CDS को 5 बार क्लियर किया, FCAT 5 times क्लियर किया और NDA 3 बार क्लियर किया और अब तक 13-14 SSBs इन्होंने दी। तो आज बात करते हैं इस पर्सनालिटी से। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कि सर एटलीस्ट बच्चों को ये तो बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे फिर भी इतने सारे रिटन रिजल्ट्स इनके पास हैं। तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं इन्हीं से कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया और बहुत जल्दी आपके लिए कुछ अच्छा बात करते हैं। चलिए सर। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू श्याम सर फॉर द इंट्रोडक्शन, वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, श्याम सर ने बोला कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। जैसे श्याम सर तो साइंस का सेक्शन आपके लिए बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इनके दिमाग में आप लोग के लिए कंसर्न रहता है कि GAT में बाकी सब्जेक्ट जो जनरल स्टडीज के हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, तो सर को ऐसा लग रहा था कि साइंस सर का बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, जिससे कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स में ये उतना ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं जितना ये देना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने कहा ठीक है सर, ज़रूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा सर ने बताया कि मैंने कई सारे एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स क्लियर करा है, तो देखिए, और सर ने ये भी ऐड किया कि बहुत कम पढ़ के भी क्लियर करा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पढ़ाई आप सभी जानते हैं किसी से भी बहुत ज़्यादा देर तक हो नहीं पाती है, कंसंट्रेशन या कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, तो वो सभी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। थोड़ा बहुत डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे खुद को मोटिवेट करके इस डेस्टिनेशन तक पहुंचा हूं। तो मैं वो चाहता हूं कि मैं वो सारी चीज़ें आपको भी गाइड करूं, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में हो जहां पे आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरों से सीखने के लिए चाहिए। तो देखिए, मैं सच में बताऊं तो मैंने 6 महीने केवल 6 महीने की पढ़ाई में एक ही बार पढ़ा हूं, बाकी टाइम थोड़ा बहुत रिविजन करके ये सारे एग्जाम्स क्लियर करे मैंने। तो जो बेस है, फाउंडेशन है, वो 6 महीने की पढ़ाई है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि लिमिटेड टाइम में एक बार आप ऐसा पढ़ लो ताकि बार बार आपको आपका 80% 90% टाइम ना देना पड़े। एक बार आप सॉलिड पढ़ो, बाकी टाइम रिविजन कर लो, ठीक है। अब उसमें आपकी प्रॉब्लम्स रहती है, आप कई जगह भटकते हो, कई सारे एजुकेटर्स, कई सारे टीचर्स को आप देखते हो कि कहीं से आपको कुछ तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो चूंकि मैंने एग्जाम को खुद क्लियर करा है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कम एफर्ट्स में ज्यादा आप चीजें कैसे ले पाओ। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है हिस्ट्री, क्योंकि एक अथाह सागर है, सुनार से भी उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, नहीं है। नापी जा सकती है। तो मैं आपको वो ट्रिक बता, आपको नापना ही नहीं है, आपको उतना ही नीचे जाना है, इतना ही नीचे आपको जाना है जहां से आप मोती लेके चले आओ, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, ठीक है। पॉलिटी में आपको कितना पढ़ना है, किताबें बहुत मोटी होती हैं, बच्चे बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ें, तो लक्ष्मीकांत ठीक है, पढ़िए, आप सेलेक्टिव पढ़िए, कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ज्योग्राफी कितनी पढ़नी है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस भी अप्लाई होता है, आपका कॉमन सेंस बहुत ज्यादा अप्लाई करता है, ठीक है। और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है एग्जाम में आता है, तो आपको केवल एक सब्जेक्ट की नॉलेज से वो क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं। करंट अफेयर्स ऐसा है कि आप साल भर पढ़ते रह जाओ और फिर भी जब एग्जाम में बैठो तो ऐसा हो सकता है कि एक भी स्ट्राइक ना करे, आपके सारे बाण जो है निशाने से किनारे चले जाए, ठीक है। और इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी नहीं बनना है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा कुछ बल्कि मैटर आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, लिमिटेड करना है, एक बार पढ़ो, नोट्स बनाओ और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहो, यही स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, एक बार करो, टू द पॉइंट करो और उसको रिवीजन करते रहो और उतने में एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अभी आपके पास टाइम भी है। जैसा मैंने बताया, मैं 6 महीने पढ़ के CDS को भी क्लियर किया। CDS आप लोग को लगता होगा कि थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है, होता है, बट हर चीज की एक ट्रिक होती है, एक बेसिक चीज पकड़ लेनी होती है, एक बार करो और बार बार रिजल्ट आपके फेवर में आता रहेगा, ठीक है। तो भाई, आगे आने वाले टाइम में सर से बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने बोला है कि सर एटलीस्ट आप इन बच्चों को ये बता दो कि पढ़ना कैसे है। तो
तो आपके लिए बहुत जल्दी ये वीडियोस इस चैनल पे कि पॉलिटी को कैसे पढ़ें, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, यानी कि 6 मंथ का इन्वेस्टमेंट है और आपको रिटर्न ही रिटर्न मिलेगा और उस रिटर्न में आपको मिलेगा रिजल्ट। जो एग्जाम दोगे डिफेंस से रिलेटेड, इवन आपको CDS में रिजल्ट आएगा, NDA में रिजल्ट आएगा, FCAT में रिजल्ट आएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे ज्योग्राफी को पढ़ना है, कैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना है, अभी तक हो सकता है कि आप ऐसे एजुकेटर्स के साथ गाइडेंस लेते हैं, शायद एग्जाम मतलब उनको बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है, बट भाई साहब साक्षात मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से सर ने इतने मल्टीपल एग्जाम्स को क्लियर किया है और ऐसी ट्रिक हाथ लगी है कि कम मेहनत में कैसे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आप ला सकते हो। मैं खुद मतलब इस बात का गवाह हूं, बहुत ज्यादा नहीं किया, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ी और उन्हीं लिमिटेड चीजों को पढ़ के बार बार रिजल्ट दिया। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपके लिए ये वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तब तक के लिए कमांडो 4.0 बैच, जिसमें साइंस ने आग मचा रखी है, फिजिक्स को आप फॉलो कर लीजिएगा, कमांडो 4.0 डेली 4 बजे, ओके। और बहुत जल्दी GS के लिए आपको ये सारी टेक्निक्स मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ, प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर कर दो, इस बार मिलके आग लगाएंगे, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि आगे अपकमिंग वीडियोस में आप सभी को गाइड करता रहूंगा, तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि इंग्लिश में भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊं। देखिए ग्रामर रूल्स जो होते हैं ना, वो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ग्रामर के रूल्स मुझे याद होते ही नहीं थे, बट प्रैक्टिस इज द की। मैं आपको अभी तो थोड़ा बहुत बता रहा हूं, जब मैं अपना सेशन लेके आऊंगा तो आपको डिटेल बताऊंगा कि रात के 6-6 घंटे कंटिन्यूअस क्या किया, बस लेबर लगाया है, मेहनत करिए बैठ के टिक के, 6-6 घंटे कंटिन्यूअस PYQ सॉल्व करते थे, ग्रामर के रूल्स ऐसे याद हो जाते थे, किताबों से पढ़ के नहीं, PYQs को सॉल्व करके दिमाग में सेट होता था और सेंस डेवलप होता था। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप जानोगे कि कैसे आप मेहनत करके अपने रिजल्ट्स बार बार ला सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी ही उन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, चलिए मिलते हैं फिर।